आज हम करने जा रहे हैं फिर से एक स्पीड टेस्ट तीन स्मार्टफोन के बीच में, पोको एक्स टू, रियलमी एक्स टू, नोट 8 प्रो। तीनों 6GB वेरियंट है गाइस, मैं पोको एक्स टू एंड नोट 8 प्रो के बीच में ऑलरेडी एक स्पीड टेस्ट कर चुका हूँ। वापस से इस वीडियो में नोट 8 प्रो इसलिए मैंने ऐड किया है ताकि आपको रियलमी एक्स टू के साथ इसका आइडिया हो जाए कि किस तरह का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। रियलमी एक्स टू एंड पोको एक्स टू आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा एंड अमेजोन पे नोट 8 प्रो। 6GB वेरिएंट अगर आप परचेस करना चाहते हो तीनों में किसी भी डिवाइस का, तो सबसे कम आपको खर्च करना पड़ेगा नोट 8 प्रो के लिए 15,999 रुपए। एंड गाइस बात करूं रियलमी एक्स टू की, तो रियलमी एक्स टू का जो 6GB वेरिएंट है इसके साथ आपको 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा 18,999 रुपए में। एंड पोको एक्स टू में 6GB वेरिएंट के साथ आपको 64GB और 128GB दो ऑप्शन है। 128GB के लिए आपको 16,999 रुपए एंड 64GB के लिए 15,999 रुपए खर्च करना पड़ेगा। गाइस तीनों स्मार्टफोन को मैंने सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है और तीनों में गेम स्पेस, गेम टर्बो से सारे एप्स को रिमूव कर दिया है एंड इन सर्विसेज को डिसेबल कर दिया है। इस पोको एक्स टू से स्टार्ट करते हैं, तीन बार मैं डिवाइस को रीस्टार्ट करूंगा, रिबूट करूंगा स्टॉपवॉच ऑन करके। तो गाइस 2 मिनट 2 सेकंड्स लग गया है। मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि बूट हो जाने के बाद जब फोन का स्क्रीन हमारे आंखों के सामने आता है तो सारे एप्स जब तक विजिबल नहीं हो जाते मैं दूसरी बार रिबूट नहीं कर रहा हूं, तो ये पॉइंट आप याद रखना। अब गाइस रियलमी एक्स टू, एक मिनट 51-52 सेकंड्स के आसपास लगा है रियलमी एक्स टू को तीन बार बूट होने में। एक चीज जो आपने नोटिस की होगी, जैसे ही स्क्रीन दिखता है मैं इंस्टेंटली सारे एप्स विजिबल हो जाते हैं, यानी टाइम नहीं लेता जिस तरह पोको एक्स टू ले रहा था। तो गाइस सबसे क्विक रहा नोट 8 प्रो, 1 मिनट 34 सेकंड्स केवल तीन बार बूट करने में, तीन बार फोन को रिबूट करने में टाइम लगा है। तो अब स्पीड टेस्ट एंड रैम मैनेजमेंट। दो मिनट 40 सेकंड्स लग गए हैं इन 10 ऐप्स को ओपन करने में और अब हम देखेंगे कि कितना टाइम लगता है रीलॉन्च करने में। तो गाइस 2 मिनट 40 सेकंड लगा है सारे ऐप्स को ओपन करने में एंड टोटल टाइम लगा है 3 मिनट 12 सेकंड्स पोको एक्स टू को। अब बारी है रियलमी एक्स टू की। गाइस तो 2 मिनट 34 सेकंड्स लगा है रियलमी एक्स टू को सारे एप्स को ओपन करने में, यानी पोको एक्स टू से क्विक रहा। अब देखते हैं रैम मैनेजमेंट कैसा हमें देखने को मिलता है। पोको एक्स टू को 3 मिनट 12 सेकंड्स लगा था सारे एप्स को ओपन और रीलॉन्च करने में, रियलमी एक्स टू ने 4 मिनट 8 सेकंड्स ले लिया है। ओके गाइस अब नोट 8 प्रो।
इस तीनों में सबसे क्विक रहा नोट 8 प्रो 2 मिनट 29 सेकंड्स। अब रीलॉन्च करते हैं। ओके तो टोटल टाइम लग गया है 4 मिनट 15 सेकंड्स। तो गाइस बूट टाइम की बात करूं तो सबसे क्विक रहा नोट 8 प्रो, एप्स ओपन करने में भी सबसे क्विक रहा नोट 8 प्रो, और रैम मैनेजमेंट की बात करूं तो पोको X2 ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं पोको X2 में एंड्रॉइड 10 के साथ देखने को मिलता है एंड नोट 8 प्रो में एंड्रॉइड 9 के साथ। तो हो सकता है एंड्रॉइड 10 अपडेट के बाद आपको बेटर रैम मैनेजमेंट देखने को मिले नोट 8 प्रो में। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।